हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर अगर आज पहली बार जुड़ा हो दोस्तों, तो उसका मेरे चैनल पर दोस्तों स्वागत है। और जो बाद में मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, उनका भी मेरे चैनल पर स्वागत है, ठीक है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना है, ठीक है। वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आप एनालाइज कर पाएंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो आप खुद ही जानते हैं। बट हाँ, हम लोग दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने माउंटेन्स को पढ़ा। दो क्लासेस मैंने माउंटेन्स पे ली हैं, आपको दोस्तों वो देखना चाहिए एक, ठीक है। मैंने दोस्तों माउंटेन्स को पढ़ाया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों ज्वालामुखी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको जर्नी दिखाता हूँ पूरी फिजिकल ज्योग्राफी की, यानी जो भौतिक भूगोल हम लोग कैसे पढ़ रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखो हम लोगों ने जब भौतिक भूगोल को शुरू किया था, तब मैंने बताया था दोस्तों उसको हम लोग चार पार्ट में बांटा था, है ना। यानी फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोगों ने देखो, एक कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफिक, ठीक है, ग्राफी। इस चीज़ में हम लोगों ने चार चीज़ों में बांटा था। फिर देन इसको हम लोगों ने कॉस्मोलॉजी को दोस्तों मैंने बताया, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ते हैं, जिसमें आठ ग्रह और बाकी उनके उपग्रह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और दोस्तों उसी में हम लोग लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, बाकी मैंने कहा था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी उसका रिलेटिव नहीं है ज़्यादा। देन उसके बाद हम आए थे फिर हम लोगों ने दोस्तों जो जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में दोस्तों हमने बताया पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, देन इसके बाद लैंडफॉर्म थ्योरी पढ़ेंगे, यानी जो जितनी भी थ्योरी हैं लैंडफॉर्म से संबंधित वो पढ़ेंगे, जिनमें मैंने दोस्तों आपको चार थ्योरीज पढ़ाई हैं। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी दोस्तों संवहनीय धारा सिद्धांत, और दोस्तों सागर नितर प्रसारण सिद्धांत, ठीक है। देन इसके बाद न्यू आधुनिक मॉडर्न थ्योरी दोस्तों मैंने बताया आपको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग दोस्तों जब ये सारी चीज़ कर रहे, फिर हम लोग दोस्तों चले कहाँ पर दोस्तों, लैंड फॉर्मेशन यानी दोस्तों पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का निर्माण दोस्तों क्या है, लैंड फॉर्मेशन में ही आता है ना, वो सारी चीज़ें हमने की। आज अब जो आज हमारा टॉपिक है वो दोस्तों क्या है, वोल्केनो। वोल्केनो मतलब दोस्तों क्या है, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। अब उसी के बाद दोस्तों हम लोग अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंड फॉर्म हमने पहले अलग अलग देखा, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों दोनों का मर्ज। जैसे पहले देखो लैंड फॉर्म थ्योरीज पढ़ी हमने, क्या उसमें देखा लैंड्स के जो निर्माण है वो कैसे होते हैं। और दोस्तों हम लोग ने इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों देखा, क्योंकि दोस्तों हम लोग ने देखा कि अर्थ के अंदर क्या होता है। अब हम इन्हीं के द्वारा दोस्तों, इन्हीं दो थ्योरीज के द्वारा, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और लैंड फॉर्म थ्योरी के द्वारा दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो सतह के ऊपर दोस्तों जैसे पर्वत है, पठार है ना, और भी जो ज्वालामुखी से निर्मित जो चट्टाने बनती हैं, या जो कुछ पर्वत बनते हैं, कुछ पठार बनते हैं, तो वो किस तरीके से, उसका दोनों को देखना है। तो दोस्तों हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और दोस्तों लैंडफॉर्म थ्योरी दोनों को मिलाकर देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों लावा कहाँ है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर है जो ज्वालामुखी जिसे, और दोस्तों इसकी संरचना का निर्माण कहाँ हो रहा है, एक तो पृथ्वी के अंदर ही तो होता है इसकी कुछ संरचनाओं का निर्माण, और कुछ का दोस्तों क्या होता है, ऊपर हो रहा है। तो संरचनाओं का निर्माण दोस्तों अर्थ के अंदर से निकलने वाले लावा से हो रहा है, बात को समझिए दोस्तों। संरचनाओं का निर्माण अर्थ के सतह के ऊपर जो निर्माण हो रहा है ना, जैसे कुछ महाद्वीप बन गए हैं ज्वालामुखी के द्वारा, है ना, जैसे बैरन द्वीप हम लोग बोलते हैं, तो क्या है ये सतह पे हमको दिखता है। और ये बना किस चीज़ से, ये अर्थ के अंदर जो मटेरियल था, है ना, जो गैसेस थी, जो कुछ खनिज पदार्थ थे, जो उनके मिश्रण से, उनके कंपोजिशन से दोस्तों क्या हुआ, जब ये बाहर आए तो इनकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, हमको कुछ ट्रोपोग्राफी दिखाई पड़ी, कुछ स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ी, ठीक है, हिंदी में दोस्तों उसको इंग्लिश में ट्रोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से क्या हो रहा है, अब हमने देखो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ काम दिख रहा है ना हम लोग, एक तो लैंडफॉर्म थ्योरी दिख रही है, दूसरा दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दिख रहा है। तो दोनों थ्योरी को अब मर्ज करके हम चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे अभी हम वोल्केनो पढ़ेंगे, अभी हम लोग दोस्तों वोल्केनो पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग जैसे अर्थक्वेक पढ़ेंगे यानी भूकंप पढ़ेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, अर्थ के अंदर दोस्तों क्या होगा, हलचल होती है, बट उसका प्रभाव दोस्तों कहाँ दिखता है, अर्थ के बाहर। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और दोस्तों लैंडफॉर्म थ्योरी दोनों को मिलाकर जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, बात समझ में आ रही ना। ये मैंने एक जर्नी बताई है, इस तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे और हम कनेक्टिविटी भी बना के चलेंगे। और मेरा दोस्तों आपसे निवेदन यही है कि दोस्तों आपको समझना क्या है, कि आपको दोस्तों बस पिछली की जो जितनी भी जो भी नए हैं,
ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो आज पहली देख रहे हैं तो उनको करना क्या है दोस्तों, पीछे क्लासेस देखनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे वे में मैंने बहुत डिटेल्स में हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया और बहुत डिटेल से कराया। रीज़न यही है कि चीज़ों को सीखें, ज्योग्राफी को आप सीखें, इंजॉय करें जॉब के, ठीक है, पढ़ते समय आपको बोझ ना लगे, ठीक, तो वो चीज़ें तो आप समझ में आया ना कि मैं दोस्तों किस तरीके से आपको ले जा रहा हूँ, किस तरीके से जर्नी में करा रहा हूँ आपको। तो मैंने इसीलिए दोस्तों सब चीज़ें देख रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने पहले आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया, फिर लैंडफॉर्म थ्योरीज पढ़ाएं, फिर मैंने आपको पर्वतों का निर्माण कराया, अब आज ज्वालामुखी से जितनी समझ, अब फिर भूकंप पढ़ेंगे, यानी अभी हम लोग लैंडफॉर्म्स में ही हैं, यानी जो जो सारी चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, या जो कल पढ़ेंगे, या जो आगे कुछ टॉपिक्स उनको पढ़ेंगे, वो दोस्तों लैंडफॉर्म थ्योरीज है ना, यानी जो स्थलाकृतियों के निर्माण से संबंधित जो थ्योरीज पढ़ी थी वो, और दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये दोनों थ्योरी जिन्होंने अच्छे से पता होगा, जिनको दोस्तों वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, जिनको कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिनको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये चीज़ें अगर जिसको कायदे से पता होगा वो दोस्तों क्या हो आगे के, जैसे अब हम लोग ने जैसे हिमालय पढ़ा था, ये सॉरी माउंटेन्स पढ़ा था, उसको अच्छे समझ में आया होगा। जैसे आज हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे उसको अच्छे समझ में आएगा, जैसे कल हम फिर अभी फिर आगे हम लोग भूकंप पढ़ेंगे उसको, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी, क्योंकि दोस्तों उन्हीं का बैकग्राउंड हम लोग दोस्तों यहाँ पर ले के पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको बस दोस्तों जितनी भी बैकलॉग, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं आपको सारी देखते रहना है, ताकि क्या होगा आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपको बकायदा सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी आपके एक दूसरे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों उसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों ज्वालामुखी, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनो, ठीक है, ज्वालामुखी या इंग्लिश में दोस्तों वेलकम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो हम लोग ज्वालामुखी शब्द यूज़ करते हैं वो गलत शब्द है ना। हम लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी, दोस्तों ज्वालामुखी जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक जगह को बोलते हैं ज्वालामुखी। दोस्तों जो ज्वालामुखी जो शब्द होता है ना, जो ज्वालामुखी होता है उसका मतलब होता है जिस दरार या छिद्र या खंड से, दोस्तों जिस छिद्र दरार या खंड से दोस्तों क्या है लावा बाहर निकलता है उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। और दोस्तों जो पूरी संरचना है, जैसे कुछ जैसे क्रेटर बन गए, पाइप बन गए, जो बाहर जो डोम बन जाता है, इन सब की जो इसकी संग्रहित जो प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी के जो लावा निकलने के बाद और भी जो क्रियाएं होती है उसको संग्रहित करने के बाद दोस्तों जिस पदार्थ जिस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों वो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। यानी वास्तव में जो हम लोग ज्वालामुखी का जो बाहर जो स्वरूप बाहर देखते हैं वो ज्वालामुखी प्रक्रिया देखते हैं, ना कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी का मतलब वो होता है दोस्तों जो जिस छिद्र या दरार से दोस्तों क्या होता है लावा बाहर आता है उस, या मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, मैग्मा बाहर आता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ज्वालामुखी, यानी मैं दोस्तों आपको दो शब्दों के बारे में बता देता हूँ, एक तो दोस्तों वॉल्केनो, हिंदी में इंग्लिश में देखिएगा दोस्तों वॉल्केनो, और वर्सेस दोस्तों वॉल्केनो सिटी, सिटी, ये दोस्तों दो अलग शब्द हैं। जो वास्तव में जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं ना वो दोस्तों ये होता है, यानी हम लोग क्या कहते हैं, जैसे जब ज्वालामुखी फटा उसके बाद जो उसका डोम बना, कोन बना, क्रेटर बना, पंप पाइप बना, है ना, ये सारी संरचना जो बनती है उसको पूरे को हम लोग ज्वालामुखी देख के ना इमेजिन करते तो हमारे दिमाग में यही आता है। ये चीज़ दोस्तों क्या होती है, इसको दोस्तों वॉल्केनोसिटी बोलते हैं, यानी दोस्तों ज्वालामुखी प्रक्रिया बोलते हैं। और दोस्तों जो ज्वालामुखी जो शब्द हम लोग बोलते रहते ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी क्या होता है, इसका मतलब होता है जिन ज्वालामुखी का तात्पर्य, लिखो इसको दोस्तों पहले आप समझ लीजिए, ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से होता है, जहां से मैग्मा गैस विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं
तो इन सबको दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का मतलब समझ में आ गया ना, ज्वालामुखी का मतलब अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा तब भी और समझ में आ जाएगा। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से होता है जहां से मैग्मा गैस विखंडित पदार्थ दोस्तों, ठीक है, विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी क्रिया जब ज्वालामुखी का जो पदार्थ है वो मैग्मा जो है बाहर निकलने के बाद जब वो जम जाता है, जो उसके बाद उसके दोस्तों क्या होता है, उसमें कुछ क्रिया बनती है, उसमें कुछ संरचनाएं बनती है, जैसे क्रेटर है, ठीक है, डोम है, इन सब को मिला के दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्वाला वेल्कोनेसिटी, यानी ज्वालामुखी की जो समग्र क्रिया होती है ना उसको वेल्कोनेसिटी बोलते हैं। और ज्वालामुखी का मतलब सिर्फ क्या होता है, जहां से दोस्तों क्या होता है, जो मैग्मा है या गैस है या विखंडित पदार्थ जब बाहर निकलते जिस जगह से उसको दोस्तों वेल्कोनो बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अब आप कभी भी दोस्तों वेल्कोनो बोलते समय एक चीज़ ध्यान रखेगा कि हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्या आप किस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, और दोस्तों वेल्कोनोसिटी बोल रहे हैं तो हम किस चीज़ को बताना चाह रहे हैं। वेल्कोनोसिटी पूरी क्रिया होती है, जो लावा बाहर निकलता है उसके बाद उसमें क्रेटर बनते हैं, उसमें पाइप, उसका वेल्कोनो पाइप बनता है, वेंट बनता है, डोम बनता है, संरचना बनती है, वो सारी क्रियाओं को दोस्तों क्या बोलते हैं, वोल्केनोसिटी। और वास्तव में वही ज्वालामुखी होता है ना। हम लोग जिस ज्वालामुखी को शब्द को यूज़ करते हैं वो दोस्तों सिर्फ छिद्र या दरार के लिए होते हैं, जहाँ से लावा बाहर निकलता है, जहाँ से गैस बाहर निकलती है, जहाँ से विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, मैंने कुछ आपको समझाया, इसको बहुत बारीकी समझना है। ये जो हम लोग ज्वालामुखी ज्वालामुखी शब्द बोलते हैं वो गलत शब्द है। संपूर्ण क्रिया के लिए ज्वालामुखी नहीं होता, संपूर्ण क्रिया के लिए, ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए दोस्तों हम लोग किस शब्द का यूज करेंगे, वोल्केनोसिटी। और ज्वालामुखी शब्द किसका यूज करेंगे दोस्तों, छिद्र एवं दरार के लिए। बात आप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। पहली बात तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, ज्वालामुखी। तो अगर जैसे इसको लिखना चाहो दोस्तों, वोल्केनोसिटी में क्या होता है दोस्तों, तो ज्वालामुखी का उद्गार तथा उससे निकलने वाली क्रियाओं को, है ना, उससे निकलने वाले लावा पदार्थ एवं विखंडित पदार्थ, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के बाद बनने वाली संरचना को सम्मिलित रूप में वोल्केनोसिटी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, मतलब ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थ के सम्मिलित रूप के बाद बनने वाली संरचना को सम्मिलित करने के बाद, मतलब बनने वाली संरचना को सम्मिलित करने के बाद दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, वोल्केनोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बात हो गई हमारी इसकी, तो पहली चीज तो यही हो गई, वोल्केनो समझ में आ गया क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, देखो मैं आपको एक इसका पहले एक अब एक स्ट्रक्चर मैं आपको देखो बनाता हूँ, आप समझिएगा। पहले हमको देखो ज्वालामुखी में पढ़ना क्या क्या, तो पहली चीज़ तो हमको दोस्तों ज्वालामुखी की परिभाषा समझना है, आप फिर समझ जाएगा तो क्या क्या पढ़ना। दूसरी चीज़ दोस्तों हमको क्या पढ़ना है, इसमें परिभाषा पढ़ने के बाद दोस्तों हमको देखना है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, टाइप इसके देखने हैं, प्रकार देखने हैं। तीसरा दोस्तों संरचनाएँ देखनी है दोस्तों, इससे जो बनती हैं संरचनाएं, और ये संरचना दोस्तों दो तरीके से बनती है। एक तो दोस्तों सतह के नीचे दोस्तों बाह्य संरचना जिसको बोलते हैं, यानी जो सतह के ऊपर जो संरचना बनती है ज्वालामुखी से वो देखना है, ठीक है। और दोस्तों आंतरिक संरचना जो दोस्तों अर्थ के अंदर बनती है ज्वालामुखी कारण, ठीक है। जैसे हम लोग बैकोलिथ पढ़ते हैं, लेपोलिथ पढ़ते हैं, ये सब दोस्तों क्या होती है, अर्थ के अंदर संरचना बनती है, ये पढ़ेंगे। परिभाषा प्रकार संरचना है, इतनी चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ज्वालामुखी का जो है वो क्रिया वो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको ज्वालामुखी का परिभाषा समझा दी क्या होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ ज्वालामुखी निकलता कैसे है, ठीक है दोस्तों, कैसे होता है दोस्तों, सारी चीज़ें अब समझना है आपको, ठीक है। देखो मैं आपको अब समझाता हूँ कायदे से, बस आपको समझना है कैसे ज्वालामुखी का क्या होता है। देखो ये दोस्तों क्या है, ये हमारी दोस्तों आवर अर्थ, ये हमारी दोस्तों क्या है, अर्थ। अरे यार ये क्या हो गया, अंडक लग रहा है, कुछ गोल नहीं बनता है, चलो अब सही है ना, अभी भी लग रहा है टेढ़ा बेढ़ा, और अब चलो भाई थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है, अर्थ को दोस्तों फिर अगेन हम लोग ने क्या किया था, इसको तीन पार्ट में बांटा था, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर वाला अर्थ में पढ़ा था। इस वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक। इस वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं,
मेंटल बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये सॉलिड होता है, इसको पढ़ा था। ये कैसा होता है दोस्तों, ये सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है दोस्तों, कोर दोस्तों लिक्विड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। ये दोस्तों ये किसका बना होता है दोस्तों, ये सियाल चाचा है ना, और ये किससे बना होता है दोस्तों, ये सीमा दीदी, और ये दोस्तों निफे चाचा इसमें होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है दोस्तों, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद है ना सबको जो पुराने हैं। और इसकी कितनी होती है दोस्तों, 3 टू 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी कितनी होती है दोस्तों, 9 टू 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोस्तों क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके से होता है। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। क्रस्ट दोस्तों सॉलिड होता है, इसमें दोस्तों सियाल यानी सिल्का एवं एल्युमिनियम का कंटेंट हाई होता है, और दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों इतनी ग्राम डेंसिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं दोस्तों इसको आपको मैं ज्वालामुखी समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना समझाने का पर्पज़ मेरा क्या था, ये अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं इसको बगल में ही दोस्तों क्या है, ज्वालामुखी समझाऊंगा आपको। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये अर्थ का सरफेस है। इस तरीके से मैंने ये अर्थ का सरफेस बना दिया। ठीक, ये अर्थ का सरफेस है। और फिर मैंने बताया दोस्तों ये क्या होता है, मेंटल एवं कोर दोस्तों क्या होता है, सेमी सॉलिड यानी सॉलिड। तो इसमें नीचे दोस्तों क्या होगा, इसमें नीचे दोस्तों क्या होता है, कुछ विखंडित पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्मा होता है अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे दोस्तों, इस तरीके से ये मैग्मा होता है। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, मैग्मा होता है, ये भरा है। ठीक है, इस तरीके से ये अर्थ के अंदर दोस्तों इस तरीके से ये भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये मैग्मा भरा हुआ है। मैंने क्या बताया दोस्तों, ये मैग्मा क्या होता है, अर्थ के अंदर दोस्तों सरफेस में दोस्तों क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है, ये मैग्मा दोस्तों क्या होता है, गर्म होकर ऊपर भागता है। गर्म होकर दोस्तों ये क्या करता है, ऊपर उठता है, और यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ टकराता है। इस तरीके से दोस्तों गर्म होकर दोस्तों ऊपर की ओर चलता है, और दोस्तों ये क्या होता है, इससे टकराता है। टकराने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ टकराने के बाद दोस्तों ये इधर की ओर मुड़ जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से इधर ये इस तरीके से चलता रहता है। तो ये पूरा इस तरीके से सर्किल चल रहा रहता है। अब होता क्या दोस्तों, इसमें होता ये है दोस्तों, रेडियो एक्टिव, देखो मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या, अब ये कन्वेक्शन करंट के द्वारा क्या होता है दोस्तों, ये बार बार दोस्तों ऊपर, कन्वेक्शन करंट थ्योरी जिसने पढ़ी वो समझ में आ रहा है उसको, बार बार दोस्तों क्या होता है, इससे टकराता है। इससे जब ये टकराता है, बार बार टकराने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये कुछ समय बाद दोस्तों क्या होता है, ये चीज़ टूट जाती है, टूट गई। टूटने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ का जो मैग्मा था, जो ये मैग्मा था, ये दोस्तों क्या हुआ, ये ऊपर आ गया, ये इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से ये ऊपर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ऊपर आ गया, ये मैग्मा है। ठीक है, ये बाहर आ गया, धूल के कण हैं, डस्ट हैं, ठीक है दोस्तों, गैसेस हैं, ये सब क्या हो गया, बाहर आ गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको जो मैं बोल रहा था दोस्तों, जो पाइप बनता है वो दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों जो क्रस्ट को तोड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, क्रस्ट तो काफ़ी मोटी है ना, तो तोड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है, जो पाइप या छिद्र कह लो इसको, ये दरार बोल दो, जो भी बोलना है, इसी को दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। यानी यहीं से दोस्तों क्या होता है, यहीं से तो दोस्तों देखो निकल रहा है। अब ये बाहर जो चीज़ें निकली हैं, ये जो चीज़ निकली हैं, इसके बाद जो संरचना बनी है, इस पूरी को क्या बोलते हैं, वोल्केनोसिटी। आप समझ में आ गया होगा आपको, यानी जो ये दरार टूटने के बाद दोस्तों इसको जिसको तोड़ा है, इसमें जो दरार बनी है, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। और दोस्तों जो निकलने के बाद जो पदार्थ जो भी जम गया है, और भी जो संरचना बनी है, उन सबको मिलाकर दोस्तों क्या बोलते हैं, वोल्केनोसिटी। अब आपको चीज़ें और क्लियरली हो गई होंगी समझ में। ठीक है, तो ज्वालामुखी इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं इधर मिटा के मैं फिर से आपको दोस्तों इधर पूरी संरचना बना के दिखाता हूँ, कौन किसको क्या ज्वालामुखी और क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गई इधर की बात, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्या, देखो ये क्रस्ट है, तो दोस्तों ये क्रस्ट वाला भाग तो दोस्तों क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके बाद दोस्तों मेंटल होता है, कोर होता है। ये दोनों दोस्तों को मेंटल दोस्तों सेमी सॉलिड होता है और ये सॉलिड होता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों दोस्तों ये क्रिया होती है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, देखो जितना डेप्थ में हम जाते हैं अर्थ के नीचे, उतना दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और जितना ही डेप्थ में नीचे जाते हैं दोस्तों, उतना ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर एवं टेम्परेचर दोनों दोस्तों क्या होता है, अर्थ में जितना हम नीचे जाएंगे वो बढ़ता जाता है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से दोस्तों क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, लावा गर्म हो जाता है। ये जो मैग्मा गर्म हो जाता है, गर्म होकर दोस्तों चीजें क्या होती है, ऊपर की ओर भागती है। जब ये ऊपर की ओर भागती है दोस्तों क्या होता है, तो ये क्रस्ट दोस्तों मोटी होती है, एक बार में टकरा के नहीं टूटेगी, तो ये टकराती है, फिर ये इस तरीके से फ्लो करने लगती है। तो इस तरीके से ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी के काम करने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, जब ये बार बार इस तरीके से क्रिया करती है, तो ये एक समय के बाद दोस्तों क्या होता है, ये टूट जाता है। इसके टूटने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये लावा बाहर आ जाता है, और जिस जगह से छिद्र या जो टूटा है उसको लावामुखी बोलते हैं। और जो ये ऊपर की संरचना जो धूल का कण या मिट्टी कुछ भी जो बन जो जमा होकर जो संरचना बनाती है, उसको दोस्तों वोल्केनोसिटी बोल देते हैं। बात अब समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम आपको संरचना बना दिखाते हैं दोस्तों। जैसे ये है, ठीक है दोस्तों, ब्लैक से बनाता हूं मैं आपको। जैसे दोस्तों ये है, ठीक है, ये दोस्तों नीचे क्या होता है, यहां पे मैग्मा भरा है, ये दोस्तों क्या है, ये पूरा दोस्तों क्या है, मैग्मा भरा था, ठीक है, मैग्मा भरा था ये दोस्तों पूरा नीचे, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये मैग्मा दोस्तों क्या होता है, ऊपर ऊपर ऐसे करके इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से, पूरा ये इस तरीके से पूरा निकलेगा, ये इस तरीके से पूरा, इस तरीके से ये, इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या होगा, एक डोम की तरह संरचना बना देगा, बना देगा कि नहीं बना देगा, है ना दोस्तों। तो अब मैं बताता हूं, जैसे आपको एक फर्क बता दूं मैं, मैग्मा दोस्तों किसे कहा जाता है, जो ये अंदर होता है, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको मैग्मा बोला जाता है, मैग्मा, ठीक है दोस्तों। और जो ऊपर सतह पर आकर जो जम जाता है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, लावा। लावा जो सतह पर आकर दोस्तों ऊपर ठंडा होकर जम जाता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, लावा। जब तक जो जो पदार्थ है दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है, वो दोस्तों जब तक अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, जैसे ही वो दोस्तों ऊपर आकर ठंडा होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, लावा। तो मैग्मा और लावा में आपको फर्क पता हो गया होगा, ठीक है। देन दूसरी बात, इसको जो ये दोस्तों होता है, वास्तव में यही दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी, यही वो छिद्र है दोस्तों, यही चीज वो है जहां से दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी निकल क्रिया पूरी संपन्न होती है। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, वोल्केनिक वोल्केनिक पाइप भी बोलते हैं दोस्तों, इसको वोल्केनिक पाइप भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, वोल्केनिक पाइप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो चीज है दोस्तों, ये गोल गोल दोस्तों, ये जो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको क्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेटर। और इसी को दोस्तों वोल्केनिक वेंट भी बोलते हैं दोस्तों, और इसी को दोस्तों मुंह भी बोलते हैं, उसका मुख बोलते हैं, ज्वालामुखी का मुख भी इसी को बोलते हैं, क्रेटर भी इसी को बोलते हैं, और इसी को दोस्तों वोल्केनिक वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक वेंट, ठीक है दोस्तों, संरचना बन जाती गोल, तो उसी को दोस्तों क्रेटर बोल देते हैं, उसकी संरचना को, बट इसके दोस्तों जो वोल्केनिक वेंट बोलते हैं इसको, और इसी को दोस्तों मुंह भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये जो संरचना बनी है, ये जो दोस्तों डोम की तरह इस तरीके से पूरी, ये जो पूरी दोस्तों जो संरचना है, ये पूरी जो पूरी इस तरीके जो संरचना बनी, ये दोस्तों पूरी, ये इसको दोस्तों वोल्केनिक डोम बोलते हैं या कोन भी बोलते हैं, वोल्केनिक, बार बार एलम खा जाते हैं, वोल्केनिक डोम या दोस्तों कोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी संरचना होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ में, ये तो दोस्तों ज्वालामुखी का किस तरीके से होता है ये मैंने बता दिया। अब इसी में दोस्तों क्या होगा, जैसे कि ज्वालामुखी जब का ये जो क्रेटर है, अब ये क्रेटर दोस्तों क्या होगा, ज्वालामुखी मान लो शांत हो जाए सालों तक, इसमें क्या हो दोस्तों, ज्वालामुखी इरप्शन ना हो दोस्तों, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट ना हो, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये शांत, ज्वालामुखी एकदम शांत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, बारिश होगी, इस क्रेटर में दोस्तों क्या होगा, पानी भर जाएगा। और समय के साथ साथ दोस्तों क्या होगा, ये जब ये बड़ा रूप ले लेगा और काफी बड़ा हो जाएगा और इसमें पानी भर जाएगा, तो उसको दोस्तों क्रेटर बोल देते हैं, और पानी भरे हुए भाग को दोस्तों क्रेटर झील बोल देते हैं, ठीक है। तो ये संरचना इस तरीके से बन जाती है इसमें, तो क्रेटर ही, सॉरी दोस्तों, कालडेरा बोलते हैं इसके, क्रेटर के बड़े स्वरूप को दोस्तों क्या बोलते हैं, कालडेरा, क्रेटर से बड़ा स्वरूप होगा। तो क्रेटर से बड़ा कैसे हो जाएगा,
हजारों साल तक दोस्तों, मान लो कई सालों तक उसमें क्या होगा दोस्तों, इरप्शन नहीं होगा। इरप्शन ना होने के बाद दोस्तों क्या होता है, अर्थ पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इरेजनल का काम करती है, जैसे विंड है, वाटर जैसे पानी है, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, इरेजनल काम करती है। इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, इसके जो आकार में जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उसको उसी उस समय बाद उसको क्या बोलने लगते हैं, कालडेरा। और जब इसी कालडेरा में दोस्तों पानी भर जाता है तो इसी को कालडेरा झील बोल देते, और उसको क्रेटर झील बोल देते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं, तो याद रखना है, इसको दोस्तों वोल्केनिक पाइप बोलते हैं, इसको दोस्तों वोल्केनिक डोम या कोन बोलते हैं, ये दोस्तों वोल्केनिक वेंट होता है जिसको मुख भी बोलते हैं, और इसी को दोस्तों क्रेटर ही बोलते हैं, इसकी संरचना को क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये मैग्मा अंदर होता है, और जब लावा बाहर, जब मैग्मा बाहर आकर ठंडा हो जाता है उसी को दोस्तों लावा बोलते हैं। तो आपको लिख लेना है, सतह के अंदर जो जो सतह के अंदर दोस्तों है ना, धरातलीय क्रस्ट के नीचे, धरातलीय सतह के नीचे जो पदार्थ उपस्थित होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। लिख लेना, धरातलीय सतह के नीचे जो पदार्थ उपस्थित होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और जब वही मैग्मा, दूसरा आगे दूसरा पॉइंट बनाना, जब मैग्मा सतह पर आकर ठंडा हो जाता है तो उसको दोस्तों लावा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, ये सारी चीज़ें बस ऐसे चित्र बना लेंगे तो आपको समझ में आएंगे, दोनों इस तरीके से चित्र बनाना आपको, ठीक। ये सारी चीज़ हो गई। अब दोस्तों मैं इसमें कुछ बताता हूँ आपको, मैं ये मिटालता हूँ इधर का। दोस्तों इससे निकलता क्या, इससे निकलने वाले पदार्थ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ज्वालामुखी से लिख लेना दोस्तों, कभी कभी पूछता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, पदार्थ में दोस्तों क्या क्या होता है, पहली चीज तो दोस्तों लावा ही होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैग्मा ही बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होती है, गैसेस होती हैं दोस्तों, गैसेस। तीसरी दोस्तों क्या होती है, गैसेस के बाद दोस्तों तीसरी वाटर वेपर्स होते हैं दोस्तों, जलवाष्प जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, जलवाष्प जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, डस्ट होता है, डस्ट मतलब, डस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, डस्ट का मतलब दोस्तों ऐस होता है, इसको राख बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, डस्ट और ऐस मतलब राख होता है दोस्तों हिंदी में। इसी के बाद दोस्तों इसको एरोसॉल भी यहीं से बोल निकलता है, एरोसॉल, ठीक है। तो डस्ट, लावा, गैसेस, वाटर वेपर्स यानी जलवाष्प, डस्ट, ऐस और एरोसॉल, एरोसॉल इसको मत छोड़ो, छोड़ ही दो ऐस है ना, इसी सब के सम्मिलित रूप को एरोसॉल बोल देते हैं बाद में। तो देखो लावा निकल रहा है, गैसेस निकल रहे हैं, वाटर वेपर्स निकल रहा है, डस्ट निकल रहा है, ऐस निकल रहा है, ठीक है। ऐस मतलब दोस्तों राख होता है, ठीक है। और इनमें गैस कौन कौन सी होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट ये गैसेस हैं जो दोस्तों निकलती इससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इससे निकलने वाले पदार्थ दोस्तों कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लावा होता है, गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट होते हैं, है ना, और धूल के कण होते हैं, क्योंकि जब ये विस्फोट करता है तो बहुत तेज विस्फोट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, जब विस्फोट करेगा दोस्तों क्या होगा, धूल के कण हैं अंदर दोस्तों, क्या होगा, मॉलिक्यूल्स यानी चिपचिपा, यानी कि वाटर कंटेंट उसमें है, तो यानी उसमें क्या होता है दोस्तों, वाटर कंटेंट की एबिलिटी होती है, जब वो सतह ऊपर फटता है तो दोस्तों वो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और दोस्तों क्या होता है, वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोस्तों क्या होता है, वो वितरित हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये हमारे जो दोस्तों क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट पर दोस्तों बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों क्या होता है, उसमें विस्फोट होता है, तो इससे जो निकलने वाले जो डस्ट है वो पूरे उस एरिया में दोस्तों क्या होता है, फैल जाते हैं। उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, कुछ समय के लिए दोस्तों क्या होता है, जो जो क्या बोलते हैं, हीट बजट, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हीट बजट अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके वजह दोस्तों क्या होता है, हमारे जो जो हमारे उस एरिया में दोस्तों क्या होता है, उसमें कुछ प्रभाव देखा जाता है इसका, ज्वालामुखी का, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है कि कहीं बारिश हो जाती है तीव्र ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, जिस जो इसको अम्लीय वर्षा या क्षारीय वर्षा भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जानना है, इसको हम लोग बाद में भी, हम लोग जब क्लाइमेट कभी मैं पढ़ाऊंगा तो इसको ज्वालामुखी से रिलेट करके बताऊंगा कि ऐसे ये हमारे ओजोन, उसको सॉरी ओजोन नहीं, क्लाइमेट को दोस्तों प्रभावित करता है, और हीट बटन को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले तो हम लोग इसी पर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी भाई, डायग्राम जरूर बनाना है, ये ऐसे अगर आप लिख लेंगे ना क्या होता है वो दोस्तों नहीं समझ में आएगा, बट डायग्राम से आपको बहुत बाकायदा से चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको डायग्राम को थ्रू ही पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझना है, ये हो गई बात। अब हम दोस्तों अब बात करते हैं आगे,
इसके आगे और, हाँ एक चीज़ और जान लो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक तो दोस्तों हो सक क्वेश्चन नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो इससे जो दोस्तों मैग्मा निकलता है दोस्तों, या जो है ना, ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों दो तरीके का होता है। एक तो दोस्तों एसिडिक लावा होता है, इससे जो लावा निकलता है वो दो तरीके का, एसिडिक होता है यानी दोस्तों अम्लीय एसिडिक लावा होता है, और एक दोस्तों होता है बेसिक लावा यानी दोस्तों क्षारीय बेसिक लावा। इसमें होता क्या बस ये जान लो दोस्तों, एसिडिक लावा का जब हम यूज करेंगे, इससे दो तरीके का लावा निकलता है दोस्तों, एक तो एसिडिक लावा बेसिक लावा यानी दोस्तों अम्लीय लावा, और दोस्तों बेसिक लावा क्षारीय लावा, ठीक है। एसिडिक लावा में दोस्तों क्या होता है ये समझ लो, इसमें दोस्तों सिल्का कंटेंट दोस्तों क्या होता है ज्यादा होता है, मोर है ना सिल्का कंटेंट, हाईली प्रेजेंट दोस्तों, ठीक है, हाईली प्रेजेंट, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों क्या होता है सिल्का कंटेंट होता है, और इसमें क्या होता है लेस सिल्का डेंस, सिल्का कंटेंट लेस, ठीक है दोस्तों समझ में आना चाहिए, लेस मतलब दोस्तों कम है इसमें, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, जब ये सिल्का कंट्रीज में ज़्यादा होता है तो इसी वजह से ये क्या होता है दोस्तों हाई डेंस होता है, मतलब ये गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है दोस्तों, ये गाढ़ा होता है, ठीक है। और ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों पतला होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिल्का कंटेंट कम होता है दोस्तों, इसलिए ये पतला होता है, ठीक है। ये दोस्तों लाइट कलर में होता है, ये दोस्तों किस तरीके का होता है लाइट कलर में होता है, लाइट कलर मतलब दोस्तों ज़्यादा डार्क नहीं होता, और ये दोस्तों क्या होता है ये डार्क कलर में होता है, ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है डार्क कलर में होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों सिल्का कंटेंट में दोस्तों क्या होता है, जो जो बेसिक में दोस्तों क्या होता है, बेसिक लावा में दोस्तों क्या होता है आयरन प्लस मैग्नीशियम की उपस्थिति ज़्यादा होती है, आयरन प्लस मैग्नीशियम की उपस्थिति, ठीक है, ज़्यादा होती है इसमें भी होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बेसाल्टिक चट्टान जो बनती है दोस्तों ना, बेसाल्टिक चट्टान पड़ते हैं ना, वो बेसिक लावा से पड़ती है, और बेसिक लावा में दोस्तों क्या होता है बेसाल्टिक चट्टान में दोस्तों अधिकतर तुमने आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों क्या होता है आयरन एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वो बेसिक लावा से बना होता है। तो बेसिक लावा मतलब दोस्तों जितनी बेसाल्ट चट्टान अगर आपको सुनने कहीं मिले तो उसका मतलब ये होता है कि वो बेसाल्टिक लावा बेसिक लावा से बनी, यानी वो क्षारीय लावा से बनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये मोर विस्फोटक होता है, बहुत विस्फोटक होता है, मैं बताता हूं क्यों, अभी समझाऊंगा, ये विस्फोटक नहीं, विस्फोटक नहीं, लिख लेना है दोस्तों, मैं थोड़ा ठीक है आपको बस इस तरीके से बना के देखो मैं समझाता हूँ। इसमें दोस्तों सिल्का कंटेंट ज्यादा होता है, इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है ये गाढ़ा हो जाता है, और इसमें सिल्का कंटेंट कम होता है इसलिए वजह से ये पतला होता है। दोस्तों गाढ़ा होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये जब जैसे अर्थ से जब ऊपर आता है तो दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों क्या होता है जैसे कोई कंटेंट गाढ़ा हो तो दोस्तों उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बार बार कुछ चीज़ें होगी उसमें जोर ज़्यादा, तो इसमें दोस्तों क्या होता है ये अचानक से फटता है, अचानक से फटने की वजह से दोस्तों क्या होता है इसमें बहुत तेज विस्फोट होता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये क्षारीय दोस्तों पतला होता है, ये दोस्तों क्या होता है पतला होता है तो दोस्तों एकदम से दोस्तों क्या होता है नहीं फटता, ये धीरे से फटेगा, और दोस्तों क्या होगा और फटने के बाद दोस्तों क्या होगा ये फैल जाएगा, फैल जाएगा। और इसी तरह दोस्तों एसिडिक लावा से तुम ये जान लो, एसिडिक लावा से जितनी भी तुम्हारी क्या होती है जैसे प्लेटू हैं है ना, छोटे छोटे जो ऊंचे खंड बन जाते हैं ये एसिडिक ये दोस्तों किससे एसिडिक लावा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ये गाढ़ा होता है तो ये ज़्यादा फैल नहीं पाता, फैल जब तक ये फैलता है कि तब तक दोस्तों क्या होता है पानी या दोस्तों हवा के संपर्क में आने दोस्तों क्या होता है ठंडा हो जाता है, इसीलिए दोस्तों इससे जो संरचना बनती है ऊंची ऊंची बनती है। और दोस्तों बेसिक लावा दोस्तों पतला होता है, ये जैसे ही सतह पाता फैल जाता है पूरे में, फैल जाने के बाद दोस्तों क्या होता है इसके वजह से क्या होती है चट्टाने बनती हैं, सील्ड बनती है इससे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है आपको समझना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने बता दिया एसिडिक लावा और बेसिक लावा में थोड़ा फर्क आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ें जरूरी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, बड़ी आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ बताओ मुझे, अच्छा जब एसिडिक लावा और बेसिक लावा में दोनों में से जो है इरोजन किस में ज़्यादा होगा, यानी दोस्तों दोनों का जो इरोजन मतलब कटाव सबसे ज़्यादा किससे होगा, मतलब कटाव किसका ज़्यादा होगा जल्दी हो जाएगा, तो दोस्तों वो बेसिक लावा का कटाव जल्दी हो जाता है, यानी इरोजन इसका जल्दी, क्योंकि दोस्तों ये
पतला लावा होता है, ठीक है। ये पतला होता है तो इससे क्या होता है, ये दोस्तों थोड़े इसमें कंटेंट जो जो होते हैं वो बहुत डेंस नहीं होते, बहुत हल्के हल्के, तो दोस्तों इसका कटाव जल्दी होता है। तो याद रखना है बेसिक लावा का जल्दी कटाव होता है, एसिडिक लावा का कटाव थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। ये सब चीज़ें दोस्तों ना लॉजिक की चीज़ें होती है, जब आप क्लियरली इस चीज़ें पढ़े रहेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बात हो गई हमारी इतनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के टाइप की। तो ज्वालामुखी के जो टाइप है दोस्तों, ठीक है, टाइप की बात करते हैं। देखो दोस्तों ये तीन प्रकार के होता है। हाँ मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, अभी इसको बताने से पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको माउंटेन्स पढ़ाया था, तो माउंटेन्स मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ा दिया है। अब मैं एक सोच रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग मान लो जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हैं, इस टॉपिक से चीज़ें कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती, जैसे हमने कल माउंटेन पढ़ा तो पर्वत पढ़े, तो हमने हमको दोस्तों क्या करना चाहिए, अब आप लोग की जिम्मेदारी ये बनती थी कि दोस्तों आप लोग को करना ये चाहिए था दोस्तों कि जहाँ जहाँ विश्व के जितने भी माउंटेन्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको एक जगह लिख के उनके आगे स्टेट देश लिख के आपको याद करने। नहीं तो दोस्तों मैं खुद सोच रहा हूँ दोस्तों कि क्या करूँ, संडे और सैटरडे, सैटरडे एंड संडे को दोस्तों हफ्ते में 2 दिन मैं सोच रहा हूँ कि दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आऊँ। उसमें मैं ये करूँ कि दोस्तों जैसे कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ हफ्ते में 5 दिन, जैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें दोस्तों जैसे अभी मैं मान लो माउंटेन्स पढ़ा रहा था, तो जहाँ जहाँ विश्व के माउंटेन्स हैं मैं खुद ही ला के दोस्तों आपको एक दिन पूरी पढ़ा दूँ, ठीक है। इसी तरह दोस्तों मैं जैसे आपको पठार एक दिन पढ़ा दूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पठार आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं एक दिन ले आऊँ विश्व में कहाँ कहाँ, इसी तरीके से मैं एक दिन ले आऊँ दोस्तों कहाँ पे विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, कौन कौन से किसको सक्रिय ज्वालामुखी है ना, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है। अब मैं सबके अलग बहुत सारे सक्रिय कुछ शांत और सब ज्वालामुखी होते हैं, उनको मैं बताने लगूंगा दोस्तों तो टाइम लगेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, उस 2 दिन में दोस्तों क्या हुआ कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल जो चीज़ें हैं जो 5 दिन में हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ें वो हफ्ते में 2 दिन उधर कर लें, तो इससे क्या होगा दोस्तों धीरे धीरे हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा हूँ दोस्तों, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि दोस्तों 2 दिन हफ्ते में ऐसे ले आऊँ, जैसे मैं एक दिन पूरा पर्वत ले आऊँगा, एक दिन पूरे पर्वत विश्व के पूरे पठार ले आऊँगा, एक दिन विश्व के पूरे ज्वालामुखी ले आऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक दिन में कर लेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर इसी संडे से, मैं सैटरडे और संडे करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो रेडी रहिएगा आप लोग इस चीज़ को संडे में करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ, बाकी हफ्ते में 5 दिन जैसे ज्योग्राफी चल रहा है हमारा चलता रहेगा, ठीक। तो चलिए अब, हाँ अब बात करते हैं दोस्तों ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दोस्तों क्या होता है, 3 टाइप के। मैं यहाँ आपको फिर से दोस्तों आगाह कर दूँ क्योंकि ज़रूरी होता है। बात ये है ना दोस्तों कि ज्वालामुखी को दोस्तों क्या होता है, उद्गार एवं उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों ज्वालामुखी को 2 टाइप में बांटा जाता है। फिर उसको उद्गार के टाइप में अलग 3 टाइप का होता है, उत्पत्ति के बाद में अलग। तो हम लोग को दोस्तों जो पढ़ना है वो होल पूरा पढ़ना है, हम लोग को दोस्तों वो और वाला नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना ज्वालामुखी कई टाइप से हैं जिसमें आपको जो ही जरूरी नहीं है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है, बुक्स में और कहीं मिले जो भी और भी कोई टाइप को आपको नहीं पढ़ना। बात रीज़न ये है कि दोस्तों ना तो पीसीएस में पूछा जाता है ना यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है आपको। हाँ दोस्तों अगर पीएचडी या कुछ करना है तो आप जरूर पढ़ सकते हैं उसको बुक में, ठीक है। तो बाकी नहीं तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस टाइप के उसी टाइप को ज्वालामुखी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज्वालामुखी दोस्तों क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप में कौन कौन से दोस्तों, तो पहला दोस्तों होता है एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो यानी दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों क्या होता है, दूसरा दोस्तों होता है डोरमेंट, डोरमेंट वॉल्केनो यानी दोस्तों प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रसुप्त सुसुप्त कोई दिक्कत नहीं। तीसरा दोस्तों होता है एक्सटिंट वॉल्केनो, इसको दोस्तों बोलते हैं शांत ज्वालामुखी यानी, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों ये तो तीनों चीजों। देखो क्या नाम से दोस्तों आपको पता चल जाएगा, एक्टिव ज्वालामुखी जो होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद दोस्तों क्या होता है निरंतर इससे ज्वालामुखी निकलता रहता है, ठीक है। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद भी दोस्तों क्या होता है इसमें निरंतर ज्वालामुखी जो लावा है या मैग्मा वो निरंतर निकलता रहता है, इसलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे आपको माउंट एटना है जो इटली में है, माउंट एस्ट्रोबोली है जो दोस्तों भूमध्य सागर में, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्थम भी बोलते हैं, ठीक। इस तरह दोस्तों आपको चिम्बर है जो है इक्वाडोर में जो मिलता है, कोटोपैक्सी है वो भी इक्वाडोर में है,
ठीक है। तो इस तरीके कुछ इससे एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको लिखना क्या है दोस्तों, इसको लिखना है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद भी जिस ज्वालामुखी से लगातार लावा एवं दोस्तों अन्य पदार्थ दोस्तों निकलते रहते हैं उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। सुसुप्त ज्वालामुखी में दोस्तों क्या, उसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया दोस्तों। सुसुप्त ज्वालामुखी में दोस्तों क्या होता है, जो दोस्तों क्या होता है, एक बार उद्गार होने के बाद दोस्तों क्या होता है, वो शांत है, ठीक है, और उसकी संभावना नहीं होती कि उसमें क्या होगा, कभी विस्फोट होगा, बट क्या होता है, अचानक इसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है। ये तो दोस्तों क्या होता है, एक एक अचानक हुई घटना को, दोस्तों क्या होता है, डोरमेंट ज्वालामुखी प्रसुप्त, मतलब क्या होता है, एक बार उद्गार हो गया, उद्गार होने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये शांत हो जाता है, ना तो इससे कोई ज्वालामुखी मैग्मा निकल रहा होता है, ना कुछ हो रहा होता, बट दोस्तों क्या होता है, अचानक फिर से इसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है। अचानक विस्फोट से क्या होता है, क्योंकि दोस्तों हम तैयार नहीं थे, तो हम सोचते हैं कि दोस्तों ये तो अब खत्म हो चुका, क्योंकि इससे वो मैग्मा निकल नहीं रहा, तो यानी दोस्तों अब ये खत्म, ज्वालामुखी निकल चुका, बट इसमें क्या होता है, अचानक दोबारा फिर से विस्फोट हो जाता है, तो दोस्तों क्या होता है, उससे क्या होता है, जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता ये कब फटेगा, कब अचानक इसमें विस्फोट हो जाए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रसुप्त यानी ज्वालामुखी, अचानक शांत है और अचानक क्या होगा, इसमें गुस्सा आ जाता है, इससे अचानक फट जाता है, तो यानी ये इस ज्वालामुखी को दोस्तों लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, उद्गार होने के बाद दोस्तों लिखना क्या दोस्तों, उद्गार होने के बाद ज्वालामुखी शांत हो जाता है, लेकिन इसमें अचानक कभी अचानक दोस्तों इसमें विस्फोट हो जाता है, अचानक विस्फोट के कारण दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे जनधन की हानि होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। एक बार उद्गार हो गया, शांत हो गया, फिर अचानक विस्फोट हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारा जनधन, बहुत जनधन की हानि हो जाती है, इसीलिए इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। शांत ज्वालामुखी दोस्तों किसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, जैसे क्राकाटावा है, ठीक है, ये दोस्तों इसका क्या है, सात एग्जाम्पल का कुछ, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का इसका कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। शांत ज्वालामुखी दोस्तों क्या है, इसको दोस्तों आपको, जैसे कि शांत ज्वालामुखी क्या होता है, एक बार उद्गार होने के बाद दोस्तों क्या हो, इसमें दोबारा कभी ना दोस्तों, कभी दोस्तों दोबारा क्या होता है, इसमें कभी वो नहीं होता दोस्तों, इसमें कभी क्या होता है, कभी इसमें दोबारा विस्फोट नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी, एक बार उद्गार होने के बाद, एक बार विस्फोट होने के बाद इसमें दोबारा क्या होता है दोस्तों, दोबारा विस्फोट नहीं होता है, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। दोबारा कभी इसमें ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती, उसको शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। वास्तव में शांत ज्वालामुखी में ही दोस्तों क्या होता है, काल्डेरा, क्रेटर, ये सारी क्रियाएं दोस्तों क्या होती, बनती हैं, ठीक है। तो ये इसके टाइप थे दोस्तों, ये दोस्तों आपको बुक्स जो आपने ली होगी दोस्तों, कोई भी बुक्स या कहीं भी, मैं जो PDF दूंगा उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। एक तो वो है दोस्तों, जिसमें हमेशा दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद भी दोस्तों क्या हो, मैग्मा का उद्गार होता रहे, मैग्मा निकलता रहे, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार एक बार हो चुका है, फिर उसमें क्या होता है, उद्गार होने की संभावना नहीं रहती, बट अचानक क्या होता है, उसमें दोस्तों क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, जिसकी दोस्तों हमें कोई अंदाजा नहीं होता, और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी जनधन की हानि हो जाती, और इसीलिए उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। शांत ज्वालामुखी दोस्तों क्या होता है, एक बार उद्गार होने के बाद अब इसमें कभी जीवन में, भविष्य में कभी संभावना ही नहीं होती, और ना कभी ये फटता है, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। अब आपका काम मैं बता दूं दोस्तों, आपको एक काम बता दूं, आपको दोस्तों ढूंढना क्या है, आपका ये काम है दोस्तों, आपको दोस्तों वर्ल्ड में जहां कहीं भी दोस्तों क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, आपको एक चार्ट बनाना है। आप क्या करना है दोस्तों, एक तरफ इधर पेज में दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी लिखना है, एक तरफ इधर दोस्तों आपको लिखना है डोरमेंट ज्वालामुखी, और एक तरफ दोस्तों आपको एक्सटेंट यानी दोस्तों शांत ज्वालामुखी, और वर्ल्ड में कहां कहां मिलता है सक्रिय ज्वालामुखी वो लिखना है, कहां कहां डोरमेंट मिलता है वो लिखना, कौन कौन से हैं और कौन कौन से सक्रिय हैं, कौन कौन से शांत ज्वालामुखी, ये तीनों दोस्तों आपको लिखना है विद दोस्तों स्टेट के साथ, ठीक है। आपको इतना काम करना है खुद से, कुछ मैंने बताए हैं उसके अलावा भी दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे इसमें को सुल्तान है, देवबंद है, इसमें दोस्तों ये दो शांत ज्वालामुखी ईरान में दोस्तों क्या है कि इनमें अब नहीं पड़ता, इस तरह माउंट दोस्तों क्या है जो किलिमंजारो है दोस्तों वो भी है दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गए ज्वालामुखी प्रकार के। अब दोस्तों इससे जो बनने वाली जो संरचनाएं हैं वो दोस्तों हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों टाइम हो गया काफी, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको पहले आज कवर करना है, देन आप हम लोग कल से आगे दोस्तों इसकी जो संरचना है और भी इसमें कुछ चीजें जो है मैं आपको और चीजें बताऊंगा कल, ठीक है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला कल, तो वो आपको समझिएगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आपको इतना आज करना है, रिवीजन करना है, और जाके दोस्तों एक बार दोस्तों जो भी बुक है उसको खुद से पहले जाके पढ़ना है, पहले ये देख लेना है, फिर पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको बहुत और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और दोस्तों
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों जिन्होंने, हाँ अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर दें वीडियो को और बताएं दोस्तों किस तरीके की लगी, और दोस्तों अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि लोगों को भी पता चलते रहे कल वाला जो ज्ञान था वो आज भी लागू है जो मैंने कल दिया था। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग दोस्तों कल मिलते हैं इसके बाद। बाय, जय हिंद दोस्तों।